वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल शायना गोयल। फ्रेंड्स, आपके बीएड सेमेस्टर 4 या फिर कह लीजिए सेमेस्टर 3, इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ 2021 में ही, जो रिसेंटली बीएड सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन पेपर आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहें। देखिए, ये जो आपका पेपर है ये फ्रेंड्स 70 मार्क्स का होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें आपके तीन सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेक्शन ए में आपका डिफाइन समेटिव इवैल्यूएशन, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्रोजेक्ट वर्क एज अ टूल ऑफ असेसमेंट, देन डिस्कस और डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसे टाइप टेस्ट, डिस्कस वेरियस फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके मैं आंसर्स भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा और उससे आपको पता लगेगा कि बीएड में जो आंसर्स आपको किस तरह से लिखने चाहिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेंड सेक्शन बी, जिसमें फर्दर आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, सेक्शन सी होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फाइन। तो ये 9th क्वेश्चन है, इसको आपने एक क्वेश्चन ही समझना है। इसके जो 10 पार्ट्स हैं, कहीं ये मत समझ लेना कि इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, नो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ही क्वेश्चन है। अब आपके जो एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, इस पेपर में टोटल आपके 9 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपने इसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये क्वेश्चन ना करें, क्योंकि इसमें आपके पेजेस भी ज़्यादा जाएंगे, टाइम भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो आप प्रॉपरली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे। तो आप जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी में से कोई भी 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपको जो भी अच्छे से आते हैं, इन फर्स्ट 8 क्वेश्चंस में से जो भी 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, चाहे वो सेक्शन ए के चारों क्वेश्चन आपको आते हैं तो भी आप कर सकते हो। कोई लिमिट नहीं है कि आपने सेक्शन ए में से ही करना है, बी में से ही करना है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको जो भी 4 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं आप वो अटेम्प्ट करके आएँ, फाइन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन पेपर्स बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, चल दैन की वॉचिंग।